भाइयों, आज की वीडियो में आपका भाई आपको गूगल की कुछ ऐसी चार ट्रिक्स बताएगा जो कि आपको बहुत अच्छी लगेंगी, और ये ट्रिक्स आप अपने दोस्तों को भी बताओगे, क्योंकि जब आप ये ट्रिक्स अपने दोस्तों को दिखाओगे तो आपका दोस्त यही पूछेगा कि ये तूने कहाँ से सीखी और ये तूने कैसे किया। फिर आप इसका जवाब, मतलब आप इसे सिखाओगे ट्रिक अपने दोस्तों को। तो कौन कौन सी ट्रिक है, सबसे पहले आपको पहली ट्रिक दिखाई देता हूँ। तो मैं अपने उस टैब पे ओपन करता हूँ, इसके बाद मैं रिफ़्रेश करता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद देखना, ये पेज पूरा 360 एंगल पे, देखिए यहाँ पे रोटेट हो गया है। ये किस तरीके से कर सकते हैं, और इसके साथ ही साथ तीन और ऐसी ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर उससे पहले आप मुझे जान लीजिए, मेरा नाम है अत्य डंगवाल और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्निकल डंगवाल। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, जानते हैं एक एक ट्रिक को स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, हम आ चुके हैं न्यू टैब पे। तो किसी भी स्क्रीन को, मतलब जब भी आपको गूगल की स्क्रीन को रोटेट करना है तो आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल में, और गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है डू अ बैरल रोल। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं। आपको भी बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखनी है, अगर आपने गलत स्पेलिंग लिखी तो ये नहीं होगा। फिर आप नीचे कमेंट मत करना कि ये हो नहीं रहा है। इसके बाद हम जैसे इस पर एंटर मारेंगे तो देखिए ये पूरा 360 डिग्री के एंगल में, मतलब रोटेट हो गया पूरा ये। तो ये थी पहली ट्रिक, आप इसे अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं और बोल सकते हैं देखिए मैंने पूरा गूगल ही घुमा डाला। अब चलते हैं अगली ट्रिक में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च बार में वापस क्लिक करना है और आपको सर्च करना है आस्क क्यू, आपको बस इतना सर्च करना है। इसके बाद आप जैसे ही एंटर मारोगे आपका जो देखिए ब्राउज़र है, मतलब ये जो भी आपने सर्च किया है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा तिरछे में आ गया है। अगर मैं आपको न्यू टैब में दिखाऊँ, मतलब पिछला टैब दिखाता हूँ, तो देखिए बिल्कुल सीधा है। और अगर हम यहाँ पर जाएँ तो देखिए ये थोड़ा तिरछा दिख रहा होगा आपको। तो आस्क क्यू से आप इसको थोड़ा तिरछे में कर सकते हैं, और आप अपने दोस्तों को ये भी दिखा सकते हैं, इससे भी आपके दोस्त बहुत इम्प्रेस हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं अगले टैब पे। इसके बाद आपको सर्च करना है जर्ग, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जर्ग रश। आपको इसको लिखने के बाद आपको एंटर मारना है, और एंटर मारने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसके बाद आपको ये पहली वेबसाइट पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने वाली वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस कहीं पे भी क्लिक कर देना। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए मैं पहले से होने देता हूँ मैं यहाँ पे पूरा लोड। तो देखिए जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए बॉल गिरेंगे इसके ऊपर, उसके बाद ये पूरा यहाँ से गूगल मतलब हट जाएगा, देखना आप ध्यान से। तो बस आप देखते जाओ, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो मैं तो यहाँ पे नेट स्लो से आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको दिख रहा होगा कि रिफ्रेश हो चुका है। इसके बाद देखना क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसे भी आप अपने दोस्तों का दिखा सकते हैं और उन्हें इम्प्रेस कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैंने ये पहले सर्च किया, उसके बाद मुझे वेबसाइट में जाना पड़ा, बिना वेबसाइट में जाए मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। तो भाइयों बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी आपको, आपका भाई आपको बताएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं न्यू टैब में दिखा देता हूँ। मैं न्यू टैब में गया, आपको google.com सर्च करना है। google.com मैंने सर्च किया। अगर आप डेस्कटॉप में हो फिर तो आप जैसे ही इसे सर्च करोगे आपका आ जाएगा, पर अगर आप मोबाइल यूज़र हो, मोबाइल यूज़ करते हो, तो आपको क्या करना है, आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, डेस्कटॉप साइड में से ओपन करना है। जैसे आप इसे ओपन करोगे आपका जो मोबाइल में गूगल होगा वो डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है जो मैं वहाँ पर आपने सर्च किया था, जर्ग रश। जैसे आप इसे सर्च करोगे, सर्च करने के बाद आपको गूगल सर्च पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्लिक करना है आई एम फीलिंग लकी, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आप सीधा यहीं पे पहुँच जाएंगे जहाँ पे हम पहले थे, जहाँ से मोबाइल में आए थे वहाँ से, मतलब ये तरीका करके अभी आप सीधा यहाँ पर आ सकते हैं। इस पर इसमें भी वही सेम टू सेम होगा, ये बॉल आपको दिख रही है, ये इसके ऊपर गिरेंगी और ये यहाँ से टूटता चला जाएगा नीचे जाके। तो अब चलते हैं अगली ट्रिक पे। तो इसके लिए मैं वापस न्यू टैब ओपन करता हूँ, google.com सर्च करता हूँ, क्योंकि ये भी हमें
डेस्कटॉप साइड पे ही करना है, क्योंकि डेस्कटॉप साइड पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप इसे मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं, पर आपको इसके लिए वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी। तो चलिए डेस्कटॉप साइड से ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप साइड में। तो मैंने इसे डेस्कटॉप साइड में ओपन कर लिया है। इसके बाद देखिए, अगर हमें कोई वो वाली गेम खेलनी पड़ती है, कौन सी, पैनमैन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, या किन्हीं किन्हीं फ़ोनों में मिल जाती है वो वाली गेम। पर अगर आपको ये ब्राउज़र में खेलनी है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा पैनमैन। तो चलिए सर्च करते हैं। तो भाइयों, पैकमैन गेम खेलने के लिए आपको बस यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च कर देना है गेम को। तो मैं सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे पैकमैन। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, इसके बाद आपको क्या सर्च करना है, गूगल सर्च नहीं करना है। इसके बाद आपको वापस आई एम फीलिंग लकी पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पैकमैन गेम यहाँ पे आ जाएगी और इसके बाद आप इसे खेल सकते हो। तो हम यहाँ पे खेलते हैं और देखता हूँ मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। तो मैं यहाँ पे हारने की तगाद पे हूँ और हार भी गया मैं यहाँ पर आप यहाँ पे जीत जाना। तो ये थी इस वीडियो में, आप बोला था कि चार ट्रिक सिखाऊंगा और मैंने यहाँ पे आपको चार ट्रिक सिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी और ट्रिक सीखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बस आप मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो, और लाइक तो कर ही देना। एक तो करूँ ख़त्म, अरे कहाँ भाग रहा है, इधर इधर सोच रहा मैं अभी गेमिंग का चैनल खोल ही लूँ, नहीं शायद नहीं खोलना चाहिए था मेरे को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।